हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ मटका कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी कुल्फ़ी है। ये ओल्ड दिल्ली की मशहूर कुल्फ़ी है। इसको मटके में बना के तैयार करते हैं। ये कुल्फ़ी बिना दूध के बनाएंगे। इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट ही यूज़ किए जाते हैं। ये एक हेल्दी कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। ये ठंडी ठंडी कुल्फ़ी गर्मियों में ज़रूर बनाएँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम है। चलिए तैयार करते हैं। मटका कुल्फी के लिए सबसे पहले लेंगे एक कटोरी बादाम, एक कटोरी काजू। इनको 6 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। और आधी कटोरी लेंगे खजूर लेंगे। इसके की बीज निकाल देने हैं और इनको भी भिगो के रख देंगे। थोड़ा सा नारियल लेंगे, ये फ्रेश नारियल है। इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसके भी ऑप्शनल है। और छोटी इलायची लेनी है, उसको कूट लेना है। ये फ्रेश इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके छिलके निकाल देंगे और बीजों को बारीक पीस लेंगे। ये फ्रेश पीस के डालेंगे तो बहुत ही टेस्ट फ्लेवर आता है आइसक्रीम में इसका। सभी इंग्रेडिएंट तैयार करके रख लिए। तैयारी करते हैं आइसक्रीम की। 5-6 घंटे हो गए इसको भिगोए हुए बादाम को और काजू को। अब इसको ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करेंगे। काजू बादाम को पहले ऐसे ही ग्राइंड करना है, उसके बाद इसमें 1 कप पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे, तभी ये स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया इसका। इसमें 1 कप पानी का जरूर यूज़ करें, तभी ये हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार होगा। ये देखिए बहुत ही मुलायम स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ। इसको एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा बड़ा ही बर्तन लें, क्योंकि हमने अभी और भी इसमें इंग्रेडिएंट डालने हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। और मैंने थोड़े से केसर के धागे भिगो के रखे थे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। केसर के धागे डालना आपके लिए ऑप्शनल है। इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप ज़रूर डाल लें। खजूर भी सॉफ्ट हो गई है, भी पानी में भिगो के रखी थी। इसको भी अब ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडिंग जार में। उसी के साथ नारियल को भी ग्राइंड कर लेंगे। इसका भी स्मूथ, दोनों का स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए नारियल और खजूर का स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। ग्राइंडिंग के प्रोसेस में जो भी पानी यूज़ होता है वो चिल्ड पानी ही यूज़ होता है। अब खजूर का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मटका कुल्फ़ी का बैटर बनके तैयार है। ये बिना दूध के तैयार की जाती है मटका कुल्फ़ी। इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मटका कुल्फ़ी का बैटर बनके तैयार है, पेस्ट बनके तैयार है। इसको हमने कवर करके फॉइल पेपर से या स्लिंग रैप से या किसी भी प्लेट से कवर करके फ्रीज़र में रखना है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। मैं फॉइल पेपर से कवर करके इसको रखूँगी। इसको मैंने अच्छी तरीके से कवर कर दिया है और इसको 3 से 4 घंटे ही फ्रीज़र में रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। ये 4 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में से बाहर निकाल लिया है। ये पूरी तरह नहीं जमी अभी, ये देखिए अभी थोड़ी सी नरम है। और इसको ग्राइंडिंग जार में या फिर व्हिपिंग क्रीम जिससे बनाते हैं उस मशीन से भी इसको मिक्स कर लेंगे। इसका फिर दोबारा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए
ये बहुत ही चिल्ड है। अभी मटका कुल्फी तैयार करने के लिए मैंने छोटे छोटे कप लिए हैं, और ये जो ग्लास है ये मिट्टी के ग्लास है, इस ये भी हम ले सकते हैं, इसमें बहुत टेस्टी बनती है। ये मटका कुल्फी ऐसे ही मटकों में बनाई जाती है, आप कांच के बर्तन या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मार्केट में ऐसे मिट्टी के कप में ये मटका कुल्फी मिलती है, इसलिए मैंने 2 कप मिट्टी के लिए हैं। मिट्टी के कप में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है मटका। इसको मैंने सभी को फिल कर दिया, इसको टैप कर लेंगे। बाकी बचा मैंने ये गहरी एक प्लेट में डाल दिया है। बटर को गार्निश करेंगे पिस्ते से और केसर के धागों से, ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम के टुकड़ों से। सभी को मैंने ऐसे ही गार्निश कर दिया है, और इन सभी को फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। मटका कुल्फी को 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, तो ये जम के तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कुल्फी है, इसको आप ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताएं ये मटका कुल्फी की रेसिपी आपको कैसी लगी। 5 घंटे के बाद मैंने कुल्फी बाहर निकाल ली है फ्रीजर से, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है ये कुल्फी। ये मटका कुल्फी बहुत ही अमेजिंग कुल्फी है, हेल्दी कुल्फी है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट कुल्फी बन के तैयार हुई है। ये देखिए क्रीमी क्रीमी मटका कुल्फी, जरूर बनाएं और इंजॉय करें इसको। ये गर्मियों की बेस्ट रेसिपी है, इसको जरूर बनाएं। आपको ये मटका कुल्फी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।